प्रिय छात्र छात्री तथा दर्शक बंधु, कौन खाइले आमर ब्रेन पावर बढ़िबो, मेमोरी पावर बढ़िबो, आउ कौन खाइले मेमोरी पावर कमिबो, ताहा उपरे नैकिरी आजिरो एही वीडियो। जेहेतु पूर्व वीडियो रे आमे कौन सब कले आमर मेमोरी पावर बढ़िबो, आउ केउ केउ कार्य कले आमे पाठ पढ़िया पाई इच्छा करिबो, ताहा उपरे नैकिरी मु दुई दुईटी वीडियो अपलोड करथिलि, जेउ वीडियो की बहुत छात्र छात्री दर्शक बंधु माने छोट छोट छुआ को अभिभावक माने भलो पाइबा देथिले, आउ मते फोन जोगे कांटेक्ट करी मध्ये कहिथिले बहुत बढ़िया वीडियो, आउ सेई गुडी को आमे प्रयास करिवु आम पिला माने को करिवा पाई कहिबु। किंतु आज आपण गोटे वीडियो बनांतु जे कौन सब खाइले स्मरण शक्ति खूब जल्दी बढ़िबो, आउ कौन सब खाउथिबा हेतु स्मरण शक्ति कमुची, ताहा उपरे नैकिरी गोटे वीडियो बनांतु। तो दर्शक बंधु तथा छात्र छात्री, आजिरो वीडियो अत्यंत जबरदस्त हेबा पई जाउ अछि। जेहेतु आपण मानक आखो पाखरे थिबा जेते सब खाद्य सामग्री, सेही खाद्य सामग्री ही आमर स्मरण शक्ति वृद्धि करिवारे सहाय्य करिथाए, आउ सेही खाद्य सामग्री ही आमर स्मरण शक्ति ह्रास करिवारे सहाय्य करिथाए। तो बाकी रहिला आमे चिन्हिबा दरकार केउ खाद्य खाइले स्मरण शक्ति वृद्धि हेबो एवं केउ खाद्य खाइले स्मरण शक्ति ह्रास हेबो। तो चालंतु आजिरो एही जबरदस्त वीडियो आपण माने एलर्टर सहित ध्यानर सहित बसी पडंतु एवं एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं सेही खाद्य गुडी को संग्रह करंतु, निजे खांतु, संपर्कीय मानंकु मध्ये खुआंतु एवं स्मरण शक्ति बढ़ांतु। प्रिय दर्शक बंधु तथा छात्र छात्री, आम सारा शरीर मध्य जदि कौन सी जगह कौन सी प्रतिक्रिया घटे, जे भली कि पादरे कौन सी जगह पिंपुड़ी टीए कामुड़ी देले भी आम जानी पारु कहीं, कारण है आमर ब्रेन ब्रेन पावर हेतु आम जानी पारु। तो से ही भली कहिबाकु गले सारा शरीर मध्य जहाँ भी हो ब्रेन साहाज्यरे आमे जानी पारु। तो आपण माने तो भलो भाबरे जानी चंती, जदि आपणकर आखि खराब होची ताहले आपण आखि चिकित्सा करू चंती, सेही बळी जदि आपणकर पेट खराब होची ताहले आपण पेट को चिकित्सा करू चंती, कान खराब होची ताहले कान को चिकित्सा करू चंती, जदि पाटी खराब होची पाटी को चिकित्सा करू चंती, जदि आपणकर ब्रेन जदि खराब होची आपण ब्रेन देखि कौन से स्मरण शक्ति आपण फायदा उठाई पारनांती, आपण मने रखी पारनांती, पाठ पढ़ले भी मने रहूनी, ताहले आपण कौन करिवे, ताहले निश्चित ब्रेन रो चिकित्सा करिवे ना। तो पेट ठीक रखिया पाई ताहले आपण विभिन्न प्रकार खाद्य खाउचंती, कौ खाद्य खाइले पेट भल रहइबो, केउ खाद्य खाइले पेट रे एसिड हेबो, ताकु धरिकरी आपण खाद्य खाउचंती जा फळे आपणकर पेट भल रहउची। बेसिकली कहिबाकु गले आम सारा शरीर रो सर्किट पूरा जाय ब्रेन रे कनेक्शन हेई रहिची, गोटे पटे कहिबाकु गले एही ब्रेन हेउची आमर पावर हाउस, सेही ब्रेन भितरे छोट छोट न्यूरॉन्स गुड़िक रही, आउ एही छोट छोट न्यूरॉन्स गुड़िक परस्पर मध्यरे जोड़ी हेकिरी सर्किट बनांती। आपण जानती गोटे मनुष्य मस्तिष्क रे ब्रेन रे केतोटी कनेक्शन थाए जानती कि, मु कहि दउची सुनंतु, 1000 अरब 1000 अरब कनेक्शन थाए गोटे मनुष्य मस्तिष्क रे। तो दर्शक बंधु तथा छात्र छात्री, मनुष्यर ब्रेन देखी चंती, मस्तिष्क देखी चंती, गोटे अखरोट भली अखरोट अखरोट देखी चंती, एई देखंतु अखरोटर इमेज एग्जैक्ट एही भली मनुष्यर मस्तिष्क ब्रेन, एही ब्रेन बळरे आमे देखी पारु, सुंघी पारु, स्वाद चाखी पारु, चाली पारु, सोई पारु, कोही पारु, भाभी पारु, इत्यादि इत्यादि जहाँ किछि एही ब्रेन द्वारा आमे करी थाउ। आमर सबु मने रखिबा लक्ष्य उद्देश्य सबु एही ब्रेन भितरे लुचि रही थाए। आपण माने तो जानी चंती पूर्व वीडियो रु आम ब्रेन दुई भागरे विभक्त होईछि, आपण जानती एही मस्तिष्क ब्रेन आम सारा शरीर रु 20% 20% शक्ति व्यवहार करी थाए। एही 20% शक्ति न्यूरॉन्स नामक कोशिका मानक पाई दरकार होई थाए। मनुष्य ब्रेन रे
ପାଖାପାଖି 86 ଅରବ ନ୍ୟୁରନ୍ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆମର ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଯା ଆମ ସ୍ପେସରେ ରହିଛି, ଆକାଶଗଙ୍ଗାରେ ଯେତିକି ତାରା ରହିଛନ୍ତି ସେତିକି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପାଖାପାଖି 86 ଅରବ ନ୍ୟୁରନ୍ ଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଭଳି ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଏହି ନ୍ୟୁରନ୍ ନ୍ୟୁରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ନ୍ୟୁରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ସହାୟତାରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁରନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁରନ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଯାଇଥାଏ, ମାନେ ସାରା ବ୍ରେନ୍ରେ ପୁରା ଗୋଟେ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସିଧା ସାଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ବ୍ରେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଫେସବୁକ୍ର ସରୋବର ଭଳି, କାରଣ ଏହି ସର୍କିଟ୍ରେ ଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ 1000 ଅରବ କନେକ୍ସନ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି କନେକ୍ସନ ଗଡ଼ବଡ଼ ଯଦି ହୋଇଗଲା ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ବରବାଦ। ସେମିତି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରେନ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ, ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ନାମ, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ନାମ। ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ସେରିବଲମ, ଆମର ଇମୋସନାଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ, ଭାବିବା, ଭଲ ପାଇବା, ରାଗିବା, ସ୍ନେହ କରିବା, ଏହିସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲିମ୍ବିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ମନେ ରଖିଥାଉ ତାହା ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥାଏ, ଆଉ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସରେ ରଖିଥାଉ। ମସ୍ତିଷ୍କର ବ୍ରେନ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏରିଆ, ବଡ଼ ଭାଗ ହେଉଛି ସେରିବ୍ରମ, ଆମର ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା, କହିବା, ଭାବିବା, ଇମୋସନାଲ ହେବା, ଏହି ଭାଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବି ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପର୍ସନାଲିଟି କିଭଳି ହେବ ଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ସେରିବ୍ରମ ଠାରେ। ବ୍ରେନ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପରସ୍ପରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ରେନ୍କୁ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିକି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଥାଏ। ଏହା ଭାରି ଜଟିଳ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଉ ଏହା ଏହି ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାହା ହେଲା କି ପ୍ରକାର କଥା, କି ପ୍ରକାରର ଭାବନା, କି ପ୍ରକାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କେବଳ ଏହି ବ୍ରେନ୍ ଦେଇକିରି ହୋଇଥାଏ। ସବୁକିଛି ବ୍ରେନ୍ ଦେଇକିରି ବୁଝାମଣା, ସବୁକିଛି ଭାବବ୍ୟକ୍ତ, ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଲା ପରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମୁହଁ ଦେଇ ବାହାରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀରର ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜରୁରୀ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ରେନ୍। ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନା, କିଏ ଜାଣେ ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତା ବ୍ରେନ୍ରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତା ଦିମାଗରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଏମିତି କହିଥିବା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ସାଇନ୍ସ, ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା ତ ଚଲେଇଛି କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ତାହାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ କନଭର୍ଟ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା ତ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କନଭର୍ଟ କରି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ବାଦାମ ଖାଆନ୍ତୁ, ବ୍ରେନ୍ ପୁରା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି ଚାଲିବ। ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆଖରୋଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଖରୋଟ୍ ପୁରା ବ୍ରେନ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଖରୋଟ୍ ଖାଇଲେ ବ୍ରେନ୍ଟା ପୁରା ରକେଟ୍ ବେଗରେ ଚାଲିବ। କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ୍ୟ? ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆଖରୋଟ୍, ବାଦାମ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭଲ ମନେ ରଖି ଲେଖିପାରିବେ ବୋଲି। କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ୍ୟ? କ'ଣ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ବ୍ରେନ୍ ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ ଗତିରେ ଚାଲିବ ଆଉ ଭଲ ପରଫର୍ମେନ୍ସ କରିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟପ୍ 3 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫୁଡ୍, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ କି ଆମର ବ୍ରେନ୍ ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହି ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ଲୁବେରୀ, ମାନେ ଜାମୁକୋଳି। ଏହି ବ୍ଲୁବେରୀ
जामुकुळी रे फ्लेवोनाइज नामक केमिकल थाए एहा एम्फ्लेमेज को स्थगित रखिया पई काम करिथाए एवं दिमाग माने ब्रेन को रक्षा करिथाए। गोटिए परीक्षा पई 26 लोकों को 12 सप्ताह धरी नियमित एही ब्लूबेरीज रो जूस को पिएई दिया जायथिला। 12 सप्ताह परे देखा गला आंको ब्रेन रे रक्त प्रवाह बहुत क्षिप्र गति रे प्रवाहित होउथिला। जहाँ ब्रेन रे रक्त प्रवाह भलो भाबरे होइथाय सेतिकी बुद्धिमान होइथाय। किंतु भाबिबा को पड़िबो एटा हेला किमती हेला किमती, कारण किछि एमिति फल बा कोळीगुडी को अछि जोथरे की एंटीऑक्सीडेंट थाए जहाँ की स्वास्थ्य पाई बहुत भलो होइथाय आउ ब्रेन को वृद्ध हेबारे रोकी थाए। वर्तमान खाद्य नंबर 2 जहाँ को कि खाइले आमर ब्रेन रॉकेट बेगरे गति करि पारिबो ताहा हेउछि साग पत्र जातीय खाद्य। जे एहा आमे खाइले केवल जे आमर वजन कमी थाए ताहा नुह, एहा खाइबा द्वारा आमर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंट डेवलप हेइथाए। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंट आम जीवन रे जहाँ आमे ज्ञान आहरण करिछे पढ़ीचे शिखीचे ताकु ठीक जगरे उपयोग करिबारे ये आमको क्षमता देइथाए। किंतु वयस जेमिति बढ़ी बढ़ी चली थाए धीरे धीरे आमर क्षमता मध्य कमी कमी जाइथाए। किंतु आपण माने देखिया को पाई पारि थिबे किछि लोकंकर वयस जेमिति बढ़ी बढ़ी जाउची सेही हिसाब रे सेमानकर बुद्धि भी बढ़ी बढ़ी जाउथिबो एवं सेमाने स्मार्ट हेबार मध्य आपण देखिया को पाई पारु थिबे। तो एहा काहे के हेथाए जेहेतु एमाने एही साग पत्र जातीय खाद्य बहुत परिमाण रे खाई थांती सेही कारण रो एमाने वयस वृद्धि हेले एमानकर ज्ञान भी ह्रास पाइबा कथा किंतु एमानकर ज्ञान वा बुद्धि बढ़ी बारे लागी थाए एवं स्मार्ट हेई थांती। वर्तमान पिला मानकर गोटे फेवरेट खाद्य ता होजि कोन चॉकलेट हेले ताहा केउ चॉकलेट डार्क चॉकलेट जोडे के देखिया को कॉफी कलर रो डार्क चॉकलेट गुडी को गोटे परीक्षा रे गोटे स्टडी रे किछि लोकों को एही डार्क चॉकलेट 8 दिन पर्यंत खाइबा को दिया जायथिला। एही डार्क चॉकलेट रे 70% कोको थिला मात्र 30% चीनी खीर इत्यादि थिला। ध्यान दियंतु साधारण चॉकलेट अन्य चॉकलेट मानकरे मात्र 30% ही कोको थाए किंतु एही चॉकलेट रे 70% कोको थिला। एही स्टडी एही अध्ययन एही परीक्षा रे भाग नैथिबा लोकंक मध्यरु 177 जीन्स रे परिवर्तन देखिबा को मिलिला। एमानकर सेंसस माने एमानकर इंद्रिय बहुत उच्च कोटीर भाबरे काम करिवार देखिबा को मिलिला। एही डार्क चॉकलेट मानकरे मध्य फ्लेवोनाइज थाए आमर ब्रेन रो जेउ विभाग को ठीक भाबरे रक्त प्रवाहित हेबा कथा से जगह को ठीक भाबरे रक्त प्रवाहित हेबा पई एही फ्लेवोनाइज जथेष्ट सहाय्य करिथाए। सेमति तो कहिबा को गले एही बोले डार्क चॉकलेट गुडी को खाइबा द्वारा आमर मूड मध्य भलो होइथाए मन मध्य चलचंचल रहिथाए एवं मने रखिबा पावर मध्य बढ़िथाए। किंतु एइटा सेते बेले हेइथाए आजिरो एही वीडियो रे जेउ खाद्य खाइले आमर ब्रेन भलो काम करिथाए सेही खाद्य गुडी को आमे नियमित खाइबा दरकार। तो मने रखिबा पई पुणी थरे कहि देउची एक नंबर रे हेला ब्लूबेरीज, दुई नंबर हेला कोको चॉकलेट्स, तीन नंबर रे हेला साग पत्र जातीय खाद्य। एहा सहित आपण माने फल मूल खांतु तापर देखिबे आपण आपणकर ब्रेन फुल स्मार्ट हे जीवो ब्रेन पूरा रॉकेट बेगरे गति करिवो बुलेट ट्रेन भली गति करिवो आउ आपण सबु जगरे टॉप बनिबे। तो चालंतु ब्रेन को क्षति रे पकौथिबा खाद्य गुड़ी को किए किए ता उपरे आलोचना करिबा। ब्रेन को खराब करिबारे तीनोटी क्षतिकारक खाद्य रहिछि आपण जानंती ताहा कोन कोन जदि जानिछंती कमेंट बॉक्स रे लेखंतु देखि। प्रथम खाद्य हेउछि चीनी आउ द्वितीय नंबर रे मैदा जातीय किंबा जे कोनसी रिफाइंड करा जायथिबा खाद्य गुड़ी को आउ तीन नंबर रे डीप फ्राइड खाद्य माने अत्यधिक भावरे भजा जायथिबा रोस्ट करी भजा जायथिबा खाद्य गुड़ी को। एही तीनोटी खाद्य जहां मु कहिली एहार कॉम्बिनेशन गुड़ी कहले कोन जानथि जिलापी मालपुआ बालू साहिब
माने सही प्रत्येक खाद्य गुड़िक जहाँ कि आम देखिले आमर पाटी रु लाल गड़ी थाए जहाँ कि आमर ब्रेन रो क्षतिकारक होता है। शेष जाऊ जाऊ गोटे कथा कहवा चाहिए आपण घरे कुनी कुनी छुआ मान को देशी क्षीर देशी गाई क्षीर पियांत देखिए से मानकर ब्रेन पावर बढ़ स्मरण शक्ति बढ़ तो ठीक अच्छे आज वीडियो दे आपण माने गुड इनफॉरमेशन पाई तो भलो भलो खांतु एवं आपणकर ब्रेन को पूरा ताजा ताजा रखंतु बुद्धिमान हुंतु स्मरण शक्ति रे नंबर वन हुंतु एवं देश पाई किछि करंतु आउ सारा विश्व रे मेरा भारत महान बोली प्रमाणित करंतु। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबो।